ਮੇਰੀ 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 ਤੇਰੀ ਖੱਟੀ ਮਿੱਠੀ ਏ ਲਵ ਸਟੋਰੀ। हेलो, तुम हो? मुझे लगा कल रात को तुम्हारी अम्मी की कॉल आई थी ना, तो अभी भी उन्हीं की कॉल होगी। मामा ने तुम्हें क्यों कॉल किया? ऐसे ही मुझसे पूछ रही थी कि अगर एंगेजमेंट वाले दिन मुझे कुछ चाहिए तो मैं उन्हें बता दूं, वो ले आएंगे। और कोई बात हुई? नहीं, और तो कोई बात नहीं। क्यों? नहीं एमी, मैं तो बस यूं ही कह रहा था। पता है, तो बहुत डर गई थी, लेकिन उन्होंने तो मुझसे इतने प्यार से बात की, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। वो प्यारी है ना, इसलिए प्यार से बात करते हैं। अच्छा सुनो, मुझे तुमसे मिलना है। क्यों? क्यों 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 करती रहती हो तुम? शादी होने वाली है हमारी, मिलने के लिए भी क्यों? अम्मी ने तो मुझे तुमसे फोन पे बात करने को भी मना किया है। तुम्हें कौन कह रहा है कि तुम जाके अपनी अम्मी के सामने अपना रेडियो खोल दो? मत बताओ उन्हें। जी नहीं, अम्मी को बताए बगैर मैं कोई काम नहीं करती, या तो बता के करती हूँ या तो काम होने के बाद बता देती हूँ। तो फिर एक काम करो, तुम शादी के बाद बता देना। गुड आइडिया। तो फिर आज शाम में मिल रहे हैं हम? कोशिश तो पूरी करूंगी। तुम आओ। बाय। यार हुआ एक यार हुआ खाला। तमीज नहीं है तुझे? अस्सलामुअलैकुम खाला, ऐसे दबे पांव आई है, डरा दिया मुझे, सारी गिनती भी खराब कर दी। अरे मैं तो इतना पैर पटक पटक के आई हूँ, वो तो तुम पैसे गिनने में इतनी बेहोश थी कि मेरे आने का पता ही नहीं चला तुम्हें। और ये रिश्ता कहाँ करवाया? कितने सनकी लोग हैं ये। अल्लाह रहम करे, हुआ क्या? लड़के की माँ का तो दिमागी तवाजुन दुरुस्त लगता ही नहीं है। पहले रिश्ते से इनकार कर दिया, वापस आ गए, अब मैंने कहा कि निकाह कर लो, तो वो ऐसे अंगारों पर लौटने लगी जैसे पता नहीं मैंने क्या कह दिया है, कौन सी गाली दी। तो फिर? फिर क्या, कहने लगी हम तो मंगनी करेंगे। मैंने भी कहा जाओ दफा हो, कर लो मंगनी। अरे खाला, अब आपको पता है ना, बाज दफे इंसान का मूड अच्छा नहीं होता है तो वो फिर उल्टी सीधी बातें करने लगता है। हो सकता है कि उस वक्त उसका मूड अच्छा ना हो, लेकिन यकीन करें ईमान से, वो औरत बहुत अच्छी है, बहुत मिलनसार है, गरीबों की बहुत मदद करती है। ईमान से बड़ी आई गरीबों की मदद करने वाली। वो खाला, वो जो मेरी फीस के बकाया पैसे है ना, मुझे आप दे दें, अशद ज़रूरत है, घर में आटा तक नहीं है। क्यों, किस खुशी में? मंगनी अभी हुई नहीं है। अब मैं हूं ना, मैं बैठी हूँ, हो जाएगी मंगनी। तो क्या गवर्नर लग गई है जो तेरे कहने पर हो जाएगी? दे देना जो बाकी बच गए, अल्लाह बहुत सवाब देगा। ऐसे हाथ में क्या देख लिए, मेरे भिखारा नहीं बन गए, ये ले पकड़। आपको खुश रखे खाला, चाहे तुम मुझे भिकारन कहो या कुछ भी कहो, लेकिन मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करती हूँ। हाँ, पैसा चीज ही ऐसी है। हाँ है तो सही। अच्छा खाला इजाजत दो, अब फिर आऊंगी। सलाम अलैकुम। एवरी
नेशन। आज तो लगता है कमरे की बहुत सफाई की गई। बाबा भाभी आज यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए? कभी तो तंस के बगैर भी बात कर लिया करो, मर तो नहीं जाओगी। नहीं नहीं भाभी, मैं तंज नहीं करती, मैं तो सिर्फ सच बोलती हूँ, और सच्ची बात ना अक्सर लोगों को कलेजे में नश्तर की तरह चुभती है। खुद को पारसा समझना छोड़ दो, जब तुम ये पारसाई की बातें करती हो ना तो यकीन करो मुझे तो उकताहट सी होने लगती है। आप नहीं समझेंगे। खैर यहाँ आने का अपना मकसद बयान कीजिए, क्योंकि अगर आप यहाँ आई हैं तो कोई गैर मामूली बात ही होगी, वरना तो आप इस कमरे का रुख करती नहीं हैं। अगले हफ्ते नादिया की मंगनी है, ये बात तो तुम्हें मालूम है। हाँ, उड़ती उड़ती सुनी थी। या मेरे खुदाया, कितनी तो झूठी औरत हो, मैंने खुद तुम्हें किचन में बताई थी ये बात। ये बातें किचन में बताने वाली नहीं होती, अपने ना मशवरा करके ये बातें तय करते हैं। तुम्हारी बातें सुनकर ना मुझे पतली सी होने लगती है। कोई खट्टी चीज खा लीजिए, अब आका होगा। आरफा, संजीदा, अरे कहाँ चली गई, इधर तो आओ मेरे कमरे में। पहले तो मैं सोच रही थी कि खुद ही तुम्हें बातें बताऊं, लेकिन अब अम्मा जान के पास चलो। आओ आओ आओ। अरे रुके तो, अरे भाभी साथ चलते ना भाभी। अम्मा जान, आपने हमें बुलाया था? हाँ, दोनों कान खोल कर मेरी बात सुनो। शादी के दौरान मुझे कोई बक बक झिक झिक नहीं चाहिए। क्या मतलब? मतलब ये कि सब लोग काम मिलजुल कर करेंगे। जाहिर सी बात है अम्मा जान, ये भी कोई कहने वाली बात है? हाँ बिल्कुल कहने वाली बात है, क्योंकि तुम दोनों तो जरा जरा सी बात पर मुंह बसूर के बैठ जाती हो। अम्मा जान, मैंने तो कभी ऐसा नहीं किया। इस वक्त मैं किसी तफसीलात में जाना नहीं चाह रही, वरना सारी पुरानी फाइलें खुल जाएंगी। इस वक्त के लिए यही काफी है कि तुम दोनों ने मिलजुल कर सारी तैयारी करनी है और आपस के इख्तलाफात एक तरफ छोड़ दें। अम्मा जान, आप तो जानती हैं मेरा दिल कितना बड़ा है, मैं तो अफवे दरगुजर से काम लेती हूँ। आप ना ये भाभी को समझाइए कि ये बुग्ज़ो कीना दिल में रखने से ना इंसान का सिर्फ अपना ही नुकसान होता है बस। संजीदा, तू मेरी माँ ना बन जैदा, मुझे मालूम है कि इसको क्या बताना है, और तू ये भारी भारी अल्फाज बोल कर अपने आप छुपाने की कोशिश मत कर। अम्मा आप मेरी तरफ से तो बेफिक्र रहिए, आपको मेरी तरफ से शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। कंधे दबा दूँ आपके? नहीं, अब तुम लोग जाओ, बहुत काम पड़ा है, और मुझे टीवी देखने दो। ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, मैं निकल रही। स्लिप वो मैं देखती हूँ भाई, भूली थी। हाँ है। ओके ओके, मैं निकल रही हूँ बस। हाँ बस पहुँच रही हूँ। अस्सलामुअलैकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत मुबारक हो, अभी मैं खाला की तरफ गई थी अपने बाकी पैसे लेने, तो पता चला मंगनी अगले हफ्ते। जी आपा, एक बात बोलूं, बहुत अपनाइयत से कह रही हूँ, अब मान लेना मेरा दिल टूट जाएगा, मैं तुमसे जोड़ा लूंगी। ऐसा जोड़ा? कोई भी कीमती सा जोड़ा दे देना। जोड़ा मैं तुम्हें दूंगी। और क्या, पड़ोसी देंगे? तुम्हारे बेटे की शादी है, और शादी में लेने देने से जो है ना वो बरकत आती है। अच्छा अच्छा ठीक है, जो भी होगा ना मैं दे दूंगी तुम्हें। आप अब मेरे पैसे तो दे दो। कौन से पैसे? मेरी फीस के पैसे। तुम्हें एक बार की बात समझ में नहीं आती, मैंने तुम्हें कहा है हजार मर्तबा कि रिश्ता हो जाए, शादी हो जाए तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। अरे मैं तुम्हारे पैसे लेकर कहीं मुल्क से फरार नहीं हो रही। अरे तौबा तौबा आपा, क्या बात कर रही हो, मुझे तो खुद से ज्यादा तुम पे भरोसा है। वो जो मैंने एक कमेटी डाली है ना, तो वो कमेटी वाली कम्बक मारी, फोन पे फोन किया जा रही है, मैं उसका फोन भी नहीं उठा रही हूँ, इसलिए पैसे मांग रही हूँ कमेटी के देने। कितनी कमेटी डाली है? एक ही डाली है, वो मैंने 10,000 की, और उसमें से मुझे 5,00,000 मिलेंगे। ये लो 10,000। अच्छा अब बकाया 15,000 रह गए ना आपा? हाँ लेकिन वो अभी नहीं दूंगी। आपा निकाह के बाद दे देना, रुखसती तो बहुत लेट हो जाएगी, असल चीज तो निकाह होता है ना। अच्छा भाई दे दूंगी, अभी तो तुम हटो यहाँ से, मुझे बहुत जरूरी काम से निकलना था, आके खड़ी हो गई।
जाओ। आपा एक बात पूछूं? पूछो। तुम नाश्ते में करेले खाती हो? अच्छा तुम जा रही हो तो किस में जा रही हो? गधे गाड़ी पर। अच्छा जिसमें जा रही हो मुझे छोड़ देना। अरे बीबी जाओ, जान छोड़ो मेरी, जाओ। सलाम अलैकुम। नादिया तुम्हें फिर से पागल बनकर दौरा पड़ गया। यार वो मिलने के लिए बुला रहे, तो मैं क्या करूं? तो साफ मना कर दो, बोलो कि मैं नहीं आ सकती हूँ। देखो मैं इस तरह उसे साफ मना नहीं कर सकती। अच्छा, और यूँ चुप चुप के उससे मिलना अच्छा लगता है तुम्हें? भाई अब मुझे नहीं पता, और मैंने उससे कह दिया है कि हम आ रहे हैं मिलने के लिए, तो खुद ही चली जाओ। मेरा दिमाग मत खराब करो। अकेले? अकेले कैसे जाऊंगी? मुझे नहीं पता। आमना देखो तुम्हें पता है ना, मैं आज तक कहीं भी अकेले नहीं गई, जहाँ भी गए हैं हम दोनों साथ गए हैं ना। और मैं तुम्हारे चक्कर में मस्जिद अम्मी से जलील नहीं हो सकती हूँ? जाओ यहाँ से, मैं नहीं जाऊंगी। आमना प्लीज 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 यार, देखो तुम मेरी छोटी बहन हो ना, मेरे लिए इतना नहीं कर सकती। देखो नादिया घर में सब लोग मौजूद हैं, अगर मैं उनसे परमिशन भी मांगती हूँ तो क्या कहूंगी? कहाँ जा रहे हैं, किससे मिलने जा रहे हो, तुम खुद सोचो। कोई भी बहाना बना देंगे, तुम्हारी सहेली मेरी सहेली पड़ोसी 100 चीजें हैं यार, हम इतना भी नहीं कर सकते। नहीं मैं मस्जिद छूट नहीं बोलूंगी तुम्हारी वजह से। हम नहीं यार। अरे सुनो लड़कियों, बात तो सुनो, मैं और संजीदा शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। अम्मी क्यों? लेकिन तुम्हारी दादी अम्मा के लिए कपड़े लेने, अब्बा चचा और कामरान के लिए मंगनी में पहनने के लिए जोड़े भी तो खरीदने। और हमारे? तुम्हें क्या जल्दी मची लिए? देखो तुम लोग तो रेडीमेड सूट पहनोगी ना, एक दिन चलकर आराम से शॉपिंग करके आएंगे, क्यों? अरे हाँ हाँ अम्मी कोई मसला नहीं है, आप आराम से जाएं और आराम से आएं, जब आप कहेंगी ना हम तभी शॉपिंग पे जाएंगे। अरे वाह आज तो बहुत बड़ा दिन है, तुमने मेरे साथ चलने के लिए जिद ही नहीं की, बहुत अच्छी बच्ची हो गई हो। अब बताओ बेटा क्या बहाना बनाऊंगी? मैं अभी बिलाल को बोलती हूँ कि हम आ रहे हैं। हाय। अरे हाय, आ गई तुम? हाँ। कितना अच्छा लग रहा है, आज मैं और तुम अकेले हूँ, तुम अपनी बहन को साथ नहीं लेके आई। कितने मजे की बात है ना। आमना साथ आई है। आमना कहाँ रह गई? अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम। चलो बैठते हैं। चलो बैठते हैं। और सुनाओ क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, आप लोग बताओ। क्यों बुलाया? परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, इन चीजों की ना आदत डालना है आपकी, कि नादिया कहीं भी बिना सोचे कुछ भी बोल देती है ना नादिया। क्यों, मैंने क्या गलत बोल दिया? नहीं, एक काम करते हैं, पहले कुछ खा लेते हैं, कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। हाँ ऑर्डर करते हैं। और तुमने तो मुझे थका दिया है, कितनी जगह देखे हम कपड़े, समझ। अरे सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। तुम रूबी हो ना, समीना की दोस्त? जी जी बिल्कुल ठीक पहचाना आपने। आज तो बहुत बदली बदली लग रही हो। शॉपिंग हो रही है मंगनी की। तुम्हें कैसे पता चला? हाँ मंगनी की शॉपिंग, क्या करें इतने काम होते हैं मंगनी के, कि हमने सोचा कि अभी से शॉपिंग शुरू कर दे। अरे शॉपिंग तो होती रहेगी, आइए ना कुछ खाते। अरे नहीं नहीं खाने की क्या जरूरत है, अभी तो हमें बहुत शॉपिंग करनी है, रहने देना अभी। अरे आठवा भाभी छोड़े ना, पहले खाते, चले चले कहाँ जाएं? आइए शॉपिंग। वैसे आमना आप इसी तरह हर वक्त मैग्नेट की तरह हर जगह इनके साथ ही जाते हो? हाँ तकरीबन हर जगह। इतनी अच्छी आदत है, पर इसकी कोई खास वजह है? क्योंकि मेरे घर वालों को मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल ऐसी बात है, आपको पता है अम्मी क्या कहती है? क्या कहती है अम्मी? कि तुम तो किसी से जरा सी बात कर लो ना तो उसके साथ चल पड़ोगी, और तुम्हें तो किडनैप करना बहुत ही आसान। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, और वैसे भी आमना अब तो हमारी शादी होने वाली है, तो अब तो हमारे मिलने पे किसी को भी एतराज नहीं होना चाहिए, है ना? होने वाली है ना, हुई तो नहीं है ना शादी, और ऐसे भी अभी तो आप लोग की मंगनी भी नहीं हुई, और आपको नहीं पता हमारी अम्मी कितनी सख्त है इस मामले में। अच्छा बहुत सख्त? सख्त सॉलिड पत्थर है पत्थर। अरे ऐसी भी क्या पत्थर हो, चलो फर्ज कर दो अगर उन्हें पता चल जाए कि आप दोनों इस वक्त मेरे सामने यूं बैठे हो, हमारी मुलाकात हो रही है, तो वो क्या करें? मैं बताती हूं, अम्मी कहेंगी कि मैंने अपनी बेटियों की तरबियत में कोई कसर नहीं छोड़ी, बिल्कुल सीधी सादी शरीफ और घरेलू लड़कियां, मेरी इजाजत के बगैर घर से कदम बाहर नहीं निकालती, असल में मेरे ऊपर गई है ना, मैं भी बिल्कुल ऐसी हूँ। अम्मी यहाँ क्या कर रही है?
मुझे क्या पता यहाँ पे क्या कर रही हैं, तुम अपने साथ साथ मुझे भी फंसाओगी। अम्मी और चाची वो भी मॉल में। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, उनके साथ रूबी आंटी क्या कर रही है समझ में नहीं आया मेरे। आप जो ना यहाँ बैठ कर सोचने की कोशिश करते रहे, क्योंकि अगर हमने ना हमें देख लिया तो हम नहीं बचेंगे। नादिया नादिया उठो यहाँ से जल्दी से। 2 मिनट रुक जा यार। ओ भाई उधर जल्दी ला दे। तुम उठ के यहाँ से जाऊँ। अच्छा अच्छा चलो। अच्छा चलो मैं ड्रॉप कर देता हूँ तुम लोग। कोई जरूरत नहीं, हम खुद चले जाएंगे। और जब तक हम लोग नहीं जाए आप यहाँ से प्लीज हिलेगा मत। नादिया जल्दी से चलो, हम भी देख लेंगे वरना हमें। जल्दी से चलो, मुझे कोई नजर नहीं आ रहा। माशाल्लाह बिलाल भी बहुत अच्छा बच्चा है। अनवर भाई और समीना बहुत मिलनसार है। वैसे ये जो आपकी सहेली है ये गुस्से की बहुत तेज लगती है। अरे नहीं नहीं वो गुस्से की बिल्कुल भी तेज नहीं है, बस थोड़ी सी उसूल पसंद है। उसके उसूलों के खिलाफ कोई काम हो जाए ना तो उसे बुरा लगता है। आप यकीन करें मेरी बेटी नादिया ना लड़ाई झगड़े से बहुत दूर रहती है, बिल्कुल सीधी है। वो समीना की हर बात मानेगी। असल में मैं भी लड़ाई झगड़े से बहुत दूर रहती हूँ और बेकार की बातों में तो मुझे पढ़ना आता ही नहीं है। मैं समीना को फोन करती हूँ और उसे बताती हूँ कि मैं आप लोगों से मिली हूँ। अरे जरूर जरूर, वो तो खुश हो जाएंगी है ना। हेलो हेलो समीना, गैस करो मैं इस वक्त किसके साथ हूँ। अरे किसके साथ बैठी हो तुम? अरे तुम बताओ ना। मैं जानती हूँ बहुत अच्छी तरह। क्या दिलावर भाई अमेरिका से आ गए हैं? अरे नहीं भाई, वो अभी कहाँ आएंगे। अच्छा समझ गई मैं, आंटी यानी कि तुम्हारी अम्मी आएंगी। नहीं भाई वो भी नहीं है। चलो मैं तुम्हें खुद ही बता देती हूँ, मैं इस वक्त तुम्हारी समधन के साथ बैठी हुई हूँ। वो जाहिल कहाँ मिल गई तुम्हें?